नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आज आपको बताना चाहता हूं कि कमियां भी बेहतर परिणाम दे सकती हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति होता है, उसके पास दो घड़े होते हैं और एक घड़े में छेद हो जाता है। वह दोनों घड़ों में पानी भर करके जब बगीचे में लेकर के जाता है बगीचे की सिंचाई करने के लिए, तो एक घड़े के पानी से सिंचाई करता है, दूसरे घड़े में छेद हो जाता है, उसका पानी रास्ते में बिखर जाता है। दूसरा घड़ा अपने आप में हीन भावना ले आता है और वह मालिक से प्रश्न करता है कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे रोज प्रतिदिन भर करके क्यों ले करके जाते हो। तब वह मालिक कहता है कि तुम्हारा जो योगदान है वो इससे भी ज़्यादा है। कहने लगे, कैसे? मैं तो अब पहुँच ही नहीं पाता, वहाँ तक सारा पानी रास्ते में बिखर जाता है। कहने लगे, जिस दिन छेद हुआ था उसी दिन मैंने उस रास्ते में कुछ बीज बो दिए थे और वहाँ से जो पानी गिरता है आज मैं जब देखता हूँ कि वो बीज उग आए हैं और वहाँ फूल, रंग बिरंगे फूल, उनको जो देखता हूँ तो मेरी आत्मा खुश हो जाती है कि यह जो भरा हुआ घड़ा था यह बगीचे की सिंचाई कर रहा था, लेकिन आपके द्वारा एक नया बगीचा तैयार किया गया। तो इस कहानी के माध्यम से आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो आपके लिए बेकार है वह भी काम की चीज़ है। यदि उसका सदुपयोग करना आपको आता है तो आप उसका बेहतर सदुपयोग कर सकते हो और उसके बेहतर परिणाम दे सकते हो। यदि काश उसको ये पता होता, वह ही ये सोच लेता कि इसमें छेद हो गया है, ये बेकार हो गया है और वो उसको फेंक देता, तोड़ देता, तो रास्ते की फुलवारी तैयार नहीं कर सकता था। तो आप किसी भी गलत व्यक्ति के साथ रह करके भी उसको ठीक कर सकते हो, उसकी विचारधारा को ठीक कर सकते हो। किसी व्यक्ति के अंदर कमी है उसको अपनी बुद्धि और विवेक से आप उसको सुधार सकते हो। कमियों को छोड़ा नहीं जाता। घर परिवार में यदि कोई बच्चा कमज़ोर है, पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, कोई बेटी कमज़ोर है या कुछ उसे काम नहीं आता है, तो उसको सिखाना चाहिए, सिखाया जाता है और उसकी प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए। इन सब बातों के साथ आप मेरी भाषा को समझ रहे हैं और मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरे भाव को भी समझ रहे हैं कि सदुपयोग करना ही बेहतर परिणाम दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।